कांग्रेस का दामन थामने के बाद में पहली बार मानवेंद्र सिंह जी का परिवार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह जी वसुंधरा राजे के सामने झालना पाटन से लड़ रहे थे, इसलिए अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए थे, पहली बार पहुंचे। सर, सबसे बड़े तो आप 29 तारीख का कितना बेसब्री से इंतजार था? बहुत इंतजार था, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, मैं चाहता था कि प्रचार जब तुरंत समाप्त हो। और वैसे मेरी शिकायत चुनाव आयोग से ये है कि राजस्थान में चुनाव हमेशा पहले चरण में होना चाहिए जब मौसम इतना गर्म नहीं हो। मौसम के हिसाब से देखें तो पहला चरण कई अन्य राज्यों में जहां आवश्यकता ही नहीं है, और यहां जहां गर्मी की बड़ी किल्लत है वहां हमें पहले चरण में लेना चाहिए था। सर, इस चुनाव के दौरान बाड़मेर जैसलमेर में सेना का मुद्दा छाया रहा, चाहे मोदी जी थे या कोई भी बीजेपी की ओर से, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट? मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि सेना एक वोट कैचिंग मशीन बनी हुई है इनके लिए, जब लगातार बाड़मेर जिले में, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार पूर्व सैनिकों के टिकट काटे हैं और फिर भी सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये मुझे आश्चर्य की बात है। और जनता से भी मैंने ये प्रश्न पूछा और जनता ने कहा कि ये तो अपमान है, कोई सम्मान नहीं है सेना का। सर, करीबन 1 बज रहे हैं, आप देख सकते किस तरीके से लोगों में उत्साह है, अभी तक कम से कम 50% पोलिंग बूथ हुई, इस गर्मी के अंदर ही कितना उत्साह है? उत्साह है, लगातार अच्छे संकेत आ रहे हैं पोलिंग के, और मुझे विश्वास है कि अंत में जाकर संख्या अच्छी होगी, परसेंटेज अच्छा होगा। मानवेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, वो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं, आप बताइए फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या है मन में? बस जल्दी से वोट अपना डाल के खत्म करें। आप पॉलिटिक्स में कब आ रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता मैं हूँ अभी तो कुछ। मानवेंद्र सिंह जी का परिवार भी है हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि उनका क्या कहना है, उनकी बेटी फर्स्ट टाइम वोट कर रही है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, पहली बार वोट कर रही, क्या सोच के? ये सोच के कि अच्छा गर्व महसूस होता है कि अपने फादर के लिए वोट करने को मिल रहा है पहली बार में, और अच्छा लग रहा है क्योंकि एक अच्छे सिटीजन का काम होता ही है वोट करना। अच्छा, राजनीति के बारे में आपका क्या सोचना है, जिस तरीके की राजनीति आपने काफी, आप राजनीतिक परिवार से हैं, और किस तरीके से देखती है अब अभी जो वर्तमान की राजनीति हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है राजनीतिक अभी इंडिया में, और हर छोटी छोटी बातों में जातिवाद या धर्म की बातें ज़्यादा होती रहती है, और हम जैसे जो एजुकेटेड यूथ है या बाकी भी यूथ है उनका बहुत फोर्स है राजनीति में। आज पॉलिटिक्स में आने के लिए आप तैयार हैं? पढ़ाई के बाद में सोचेंगे। क्या सोचा है, क्या सोचा है? इंटरेस्ट तो है। ये बेटी थी जिनका साफ तौर कहना है कि पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है, चित्रा सिंह जी भी है जिन्होंने पिछले 3 महीने से काफ़ी कैंपेन किया है बाड़मेर जैसलमेर के लिए, और विधानसभा चुनाव से पहले स्वाभिमान सम्मेलन के लिए भी इन्होंने कैंपेन किया था। आप हमेशा इस दिन का इंतजार था? जी बिल्कुल, 2014 से जो मिशन पूरा था वो आज पूरा हो रहा है। जी पूरा हो रहा है। कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा है, पोलिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं ना उसमें अपने बाड़मेर जैसलमेर की अच्छी, इतनी गर्मी में भी इतना अच्छा परसेंटेज है कि आई थिंक राजस्थान में बांसवाड़ा के बाद में ये सेकंड नंबर भी है अपना बाड़मेर जैसलमेर जो परसेंटेज आई, जिस तरीके से ये अच्छा। लोगों के मन में एक सवाल है कि जो 2014 में जो एक कसरत रह गई थी स्वाभिमान को लेकर, वो 2019 में पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी, जनता यहाँ खड़ी है, पूरी करना चाह रही है, आप देख रहे हैं। ये चित्रा सिंह जी थी जिनका साफ तौर पर